दोस्तों अपने चैनल पे एक वीडियो पड़ा है जहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आपके 3 महीने के बाद भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटी तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको ईजिली कुछ भी नहीं करना, आपको 2 दिन वेट करना है। मतलब कि मान लीजिए आपकी एक्सपायर डेट आज है, ठीक है, और उसके बाद आपको 2 दिन और वेट करना है, ठीक है, फिर भी वो स्ट्राइक नहीं हटती तो आपको क्या करना है, वो इस वीडियो में मैंने बताया था। फिर भी बहुत सारे फ्रेंड्स की प्रॉब्लम अभी चल रही है कि वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक हटते नहीं है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि मेल कैसे करना है वो भी बताता थी, ठीक है। तो फिर भी बहुत सारे फ्रेंड्स की अभी तक प्रॉब्लम है कि मेल कैसे करना है वो उनको नहीं पता चल रहा है। तो इस वीडियो पे यही बात करने वाले कि आपको कैसे मेल करना है यूट्यूब को और कहाँ पे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा, और वीडियो अंत में आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको उसी ईमेल से मेल करना है जिस पे आपका यूट्यूब चैनल बना है। अगर आप दूसरे ईमेल से करते हैं, मे बी यहाँ पे यूट्यूब रिस्पांस ना करे, तो ये बेहतर है कि आप उसी ईमेल से मेल करें, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे एक साथ 3 स्ट्राइक आ जाती है, सॉरी एक साथ नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 1 स्ट्राइक पहले से होती है और जब वो एक्सपायर डेट होने वाली है 1 दिन पहले या 1 दिन बाद, तो स्ट्राइक और आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं कि जो फर्स्ट वाली स्ट्राइक है वो रिमूव होने का बहुत बहुत कम चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल की स्टैंडिंग होती है वो कम हो जाती है 3 स्ट्राइक की वजह से। तो यहाँ पे यूट्यूब देखता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल करे ना करे यहाँ पे ज़्यादा यूट्यूब रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये जो दिक्कत है सारी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुई है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास एक ही स्ट्राइक है और वो रिमूव नहीं हुए तो 100% ये रिमूव हो जाएगी। अगर 2 स्ट्राइक है तो यहाँ पे 50% चांस है, और 3 स्ट्राइक आ चुकी है और 1 स्ट्राइक की एक्सपायर डेट होने वाली है और फिर भी नहीं वो रिमूव हुई, मतलब हो गई और रिमूव नहीं हुई, तो यहाँ पे बहुत कम चांस है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, आपका लक काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात नहीं, बहुत सारे चैनल के साथ ये हुआ है और बहुत सारे चैनल्स ने रिस्पॉन्स मैंने मुझसे बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि मेरी 1 स्ट्राइक पहले से थी और बाद में 2 आ गई तो अब रिमूव नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर एक ही स्ट्राइक है तो आप 100% रिमूव हो जाएगी। अब करना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उसी ईमेल पे जाना है जिसमें मैंने बताया, और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल बताऊँ तो आपको जीमेल में ओपन करने के बाद वो मेल सेलेक्ट कर लें जिस पे आपकी यूट्यूब चैनल बना है, ठीक है। अब यहाँ पे नया ईमेल हमें टाइप करना है, तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जाइएगा चैनल और स्टेटस एंड फीचर्स में, और चैनल में जाने के बाद आपको वो स्ट्राइक वाली जो स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी, स्ट्राइक वाली और साथ साथ में उस डिटेल्स वाली, ठीक है, मतलब कि डेट कब आई थी और एक्सपायर डेट कौन सी है, वो सब कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब कि यहाँ पे मेरा जो स्क्रीनशॉट अभी ऊपर यूट्यूब चैनल का जो नेम और लोगो नहीं है, लेकिन आपको अपना चैनल का नेम, लोगो और इस तरह से आपका जो है डिटेल्स के साथ ओपन होना चाहिए, तभी स्क्रीनशॉट, ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आपको कैसे कहाँ अपलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वापस मेल में जाते हैं, और मैं तो यहाँ पे प्लस आइकन पे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे टू मतलब कहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ copyright@youtube.com। आपको इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है, टू में, और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3 मंथ After not remove my strike, या चैनल स्ट्राइक लिख दो, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आपको कंपोज मेल में क्या लिखना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा, तो वो आप कॉपी पेस्ट करके या फिर लिख के यहाँ पे पेस्ट लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उस पर लिखे मेरा जो मैं यहाँ पे कंपोज मेल में लिख दिया सब कुछ, हेलो सर मैडम माय चैनल इज कॉपीराइट स्ट्राइक टू कम, और ये जो जिस दिन स्ट्राइक आई थी वो यहाँ पे डेट लिखनी है, ठीक है, मैंने एग्जांपल के थ्रू ये डेट लिखी है, ठीक है। तो आपको अपनी डेट लिखनी, मतलब कि जिस दिन स्ट्राइक आई थी वो डेट लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे एंड के बाद जो है वो एक्सपायर डेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपायर डेट मतलब कि कौन सी डेट पे एक्सपायर होने वाली थी स्ट्राइक, और वो डेट यहाँ पे 24 मैंने लिखी है, वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो था और एक डेट है, वहाँ पे आपको लिखना है कि आप जिस दिन मेल कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ तो आपको, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज जो स्ट्राइक है तो आपको 2 दिन और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 दिन वेट करें फिर नहीं स्ट्राइक रिमूव होती तब जाके आप मेल कीजिए, क्योंकि यूट्यूब को थोड़ा टाइम चाहिए तो आपकी तुरंत स्ट्राइक नहीं हटती, कभी कभी 1-2 दिन ले लेता है एक्स्ट्रा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर वो स्ट्राइक 2 दिन के बाद नहीं हटती तब जाके आपको मेल करना, ठीक है। और इस तरह से आपको लिख देना है, और यहाँ पे देखिए थैंक यू लिख दिया, और मैंने स्क्रीनशॉट इंक्लूड लिखा, लेकिन ये तो मैं आपको टेम्पररी दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट कहाँ पे अपलोड करना है वो भी बता देता हूँ, और चैनल लिंक आपको देना है देना आप पे डिपेंड है, आप देना चाहते हो दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हम उसी ईमेल से मेल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल लिंक देना है तो दे सकते हैं। अब कंपोज मेल की बात, सॉरी स्क्रीनशॉट की बात करें कहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर एक आइकन है उन पर क्लिक करना है, अटैच फाइल में जाना है, आपको वही फाइल चूज़ कर लेनी है जिसकी आपने स्क्रीनशॉट लिया, जो कि स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके यहाँ पे मेरा जो स्क्रीनशॉट भी आ चुका नीचे देखिए, ओके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है, बस सिंपल सा मेथड है यहाँ पे, सिंपली आपको सेंड कर देना है, आपको तुरंत एक रिप्लाई आएगा, उसके बाद आपका अगर स्ट्राइक रिमूव हो जाए तो एक मेल आएगा, अगर नहीं आता तो आप जब आपने मेल किया 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने चैनल चेक कीजिए, 100% आपके चैनल की जो स्ट्राइक है रिमूव हो जाएगी। मैं अभी सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे एक भी स्ट्राइक नहीं है, तो अभी सेंड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस वीडियो में बताया था कि इस तरह से आपको मेल करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मेल करना है और आपका स्ट्राइक 100% रिमूव हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।